आज मार्केट का दिन था और कोई भी नहीं आया। दुकानें लगती हैं यहाँ पे, फुल दुकान रहती है, यहाँ पब्लिक रहती है, आज सब वो नहीं लग पाई आज पानी की। बच्चा भी यहाँ पर गया घंटे का, पानी साफ उतारा आगे वाले से, पूरे गली वाले परेशान है, पर मार्केट की स्थिति हो गई है और यही दिन है कमाने के, इसलिए ये पानी उतरा है। नालियों का पानी हो रहा है, सूखा आ रहा है, या कोई आके कर दे, रोक दे इसको। कौन सा एरिया कहलाता है? ये इब्राहिमपुरा कहलाता है। इब्राहिमपुरा अभी हम खड़े हैं भोपाल शहर की एक पानी की टंकी की ओर, जो इब्राहिमपुरा में स्थित है। इस पर टंकी के अंदर एक वॉल लीकेज हो गया, वॉल लीकेज होने की वजह से लगभग 1 किलोमीटर दायरे के अंदर पानी फैल चुका है। खासी दिक्कतें आ रही हैं, रमजान का महीना है, लोग शॉपिंग करने आते हैं, पूरा मार्केट का एरिया है और लगभग ये पानी फैलते फैलते 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर बहता हुआ पहुंच गया। बात यह थी कि ये पानी की टंकी बनाई गई, तो पानी की टंकी में फ्यूचर में प्रॉब्लम भी आना थी, जाहिर सी बात थी प्रॉब्लम आती ही इसके अंदर, तो उसमें वॉल लगाया गया तो वॉल खराब हो गया। पानी की टंकी तो भरी जाती है, मगर पानी की टंकी को जब खाली करना है तो कैसे किया जाएगा? पानी की टंकी की खाली करने की कोई प्लानिंग है कि नहीं है? अब वॉल खराब होता है तो वॉल खराब होने के बाद हजारों लीटर की पानी की टंकी और पानी की टंकी का जो पानी है वो पूरे रोड पर फैल जाता है। तो चलिए वहां के रहवासियों से बात करते हैं। बहुत लोग निकल रहे हैं, परेशान हो रहा है, नालियों का पानी हो रहा है, सूखा आ रहा है, या कोई आके कर दे, रोक दे इसको। कौन सा एरिया कहलाता है? ये इब्राहिमपुरा कहलाता है। इब्राहिमपुरा जी, ये देख रहे हैं आपके, ये इब्राहिमपुरा मार्केट की ओर हम खड़े हैं, महिला मार्केट है, महिलाएं शॉपिंग के लिए यहाँ लगातार आ रही हैं और आने के बाद आप देख रहे हैं कि रमजान का महीना है और रमजान की ईद आने में कुछ ही दिन बाकी है और उसके बावजूद इस तरह से पानी लगातार 5 बजे से बताया जा रहा है ये फेंक रहा है, मगर इसमें अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये पानी कहाँ से लीकेज हो रहा है? ये सामने टंकी है इतना पार्किंग में, उसमें से लीकेज हो रहा है। अभी कोई लोग आए उसको सही करने के? अभी तक तो कोई नहीं आया। नहीं रहते जी, मैं सामने ही रहता हूँ। ये आप देख रहे हैं जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, यहाँ से आने जाने वाले लोगों की काफ़ी परेशानी हो रही है और ये 5 बजे से लगभग बताया जा रहा है ये फॉल्ट। कितने बजे का है ये फॉल्ट? ये 5:30 के टाइम, 5:30 बजे। अभी कोई लोग आए देख रहे या नहीं आए? अभी नहीं आए, खोल के ऐसे भागे कि देख कोई रोक सके या कुछ करते। आज मार्केट का दिन था और कोई भी नहीं आया। दुकानें लगती हैं यहाँ पे? फुल दुकान रहती है, यहाँ पब्लिक रहती है, आज सब वो नहीं लग पाई आज पानी की। दुकानें यहाँ पर, मैं बोलना चाहूँगा कि कंप्लेंट भी करी, कोई नगर निगम अधिकारी नहीं है यहाँ पर, मेरी दुकान लगाता हूँ मैं, पूरी ग्राहक ही कट गई आज मेरी, यहाँ पे घुटने पानी भरा, ग्राहक कौन आने को तैयार नहीं है। अभी कोई दुर्घटना भी हुई है यहाँ पर? यहाँ पर दुर्घटना भी हुई है कि कोई महिला गिरी थी, कोई महिला गिर गई, 2-3 महिला गिरी है यहाँ पर, एक बच्चा भी यहाँ पर गिर गया, घंटे का पानी साफ उतारा आगे वाले से, पूरे गली वाले परेशान है, पूरे मार्केट की स्थिति हो गई है और यही दिन है कमाने के, इसलिए ये पानी उतरा है। तो आप लोग यहाँ दुकानें हैं आप लोगों की? ये दुकान लगाते हैं हम, टेबलों पे दुकान लगाते हैं। टेबल पे दुकान लगाई थी आपने? ये देखिए रमजान का महीना है, यहाँ पे लोग जो छोटा व्यापारी होता है यहाँ के व्यापार करता है, क्योंकि रमजान में काफ़ी महिलाएं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आती है, मगर जिस तरीके से ये रोड का हाल हो गया है तो ये देखने वाली चीज़ है कि यहाँ से गाड़ियाँ तक नहीं निकल पा रही हैं और ये पानी चलते चलते तकरीबन 1 किलोमीटर के एरिए में ये फैल चुका है, काफ़ी दूर तक ये पानी जा रहा है। ये पानी जो लगातार फेंक रहा है वो ये पानी की टंकी, हजारों लीटर की पानी की टंकी है और जिस तरह से इसमें लगातार पानी फेंक रहा है, मगर यहाँ कोई सूचना देने वाला व्यक्ति अभी नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल। और मार्केट है और रमज़ान का महीना है, जैसा मैंने आपको दूसरे फुटेजेस में दिखाया कि लोग खासे परेशान हो रहे हैं, कई महिलाएँ गिर चुकी हैं, काफ़ी लोगों को इससे दिक्कत हो रही है। यहाँ एक व्यक्ति ने हमें ये सूचना दी है कि ये टंकी का जो सप्लाई वॉल है वो सप्लाई वॉल ख़राब हो गया, सप्लाई वॉल ख़राब होने की वजह से काफ़ी पानी फेंक रहा है, इसका कोई अल्टरनेट अगर निकल सकता तो निकाला जाता, मगर शाम को 5 बजे से लगातार ये पानी फेंक रहा है और हज़ारों लीटर की ये पानी की टंकी है, इसमें हज़ारों लीटर पानी आता है, मगर काफ़ी लोगों को इसकी वजह से दिक्कत हो रही है और पूरा मार्केट बंद है और तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में ये पानी लगातार फैल रहा है। अब बात यह है कि टंकी का वॉल तो ख़राब होना था, कभी ना कभी तो ख़राब होता, क्योंकि पानी की टंकी है, वॉल भी ख़राब होता है और ऐसी कई सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, मगर देखा ही जाता है कि इस पानी के निकास के लिए कोई जगह क्यों ऐसी नहीं बनाई गई, पानी का निकास कैसे करा जाएगा, मगर सिस्टम क्या है पूरी तरह से ख़राब है। ये स्मार्ट पार्किंग आप देख रहे हैं, अब स्मार्ट पार्किंग में लोगों ने गाड़ियाँ लगाई हैं और स्मार्ट लोगों ने गाड़ियाँ लगाई होंगी, जाहिर सी बात है स्मार्ट पार्किंग बनी हुई, मगर अब जब यहाँ से गाड़ी निकालना है तो कैसे कोई निकालेगा,
और पानी साफ सुथरा है मगर गीला तो उसको होना पड़ेगा, और अगर कोई महंगा जूता और महंगी चप्पल पहन के वो यहाँ आया है तो उसका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा। तो सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है नगर निगम के, कि पानी की सप्लाई तो बना दी मगर पानी जब ख़राब हो जाएगा, पानी को निकालना पड़ेगा तो कैसे निकाला जाएगा। पानी निकाला जा रहा है तो लगभग लगभग हज़ारों की तादाद में लोग उस पानी से परेशान हो रहे हैं। तो मेरा सवाल सीधा सा ये है कि पानी भरने की जगह बनाई गई, पानी निकासी की जगह कैसे बनाई जाती है। देखिए बाइक जैसे लेके आ रहा है, इससे आपका अंदाज़ा हो गया होगा कितना पानी यहाँ पे भरा हुआ है।